हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, ग्रीनप्लाई इंडस्ट्रीज़ की ओर से मार्च क्वार्टर के फिनांशियल रिजल्ट पेश हो चुका है, आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे गाइस स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुका है, क्वार्टर एंडेड और फिनांशियल ईयर एंडेड का, जो कि हम लोग आज कवर करेंगे। और गाइस पहले कंसोलिडेटेड फिनांशियल रिजल्ट को कवर करेंगे। नंबर्स की बात करें तो नंबर्स लैक्स में दिए गए हैं। इनकम 603.5 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 590.3 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 436.9 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 565.7 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 561.3 करोड़ का, मार्च 23 क्वार्टर में 392.5 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर में एक्सपेंस भी इंक्रीज किया, लेकिन ईयर ऑन ईयर में एक्सपेंस बहुत ज़्यादा, इसके कारण प्रॉफिट में डाउनवर्ड एक्सपेंस हुआ है इस मटेरियल कॉस्ट में, जिसके बाद कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम से 4.6 करोड़ का गेन हुआ था। लेकिन यहाँ पे और इसके कारण प्रॉफिट रिकवर किया वापस से, और इस बार का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 41.8 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 37.7 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 27.7 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है, लेकिन नेट प्रॉफिट कंपनी का है 32, यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है इस बार का 28.3 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 26.8 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 11 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। ईपीएस कंपनी का है इस बार का, अगर देखा जाए तो ईपीएस है 2.28 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। वहीं फिनांशियल ईयर एंडेड में इनकम है 2193.7 करोड़ का, और 23 में 1680.3 करोड़ का इनकम इंक्रीज किया है, लेकिन एक्सपेंसेस हुआ है कंपनी का 2090.9 करोड़ का, 23 में 1544 करोड़ का एक्सपेंस में भी इंक्रीज किया है। ऑपरेटिंग यहाँ पे एक्सपेंस बहुत ज़्यादा, इसके कारण प्रॉफिट में डाउन है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी का 114.9 करोड़ का, 23 में 125 करोड़ का, जो कि डाउन देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट कंपनी का है, अगर देखा जाए तो इस बार का नेट प्रॉफिट 69.9 करोड़ का, 23 में 91.4 करोड़ का डाउन होता हुआ देखने को मिल रही है। ईपीएस 5.61 रुपीज़ का, 23 से डाउन है। तो गाइस कंपनी का रिजल्ट अगर देखा जाए तो क्वार्टर एंडेड में तो इंक्रीज है, बट फिनांशियल ईयर एंडेड में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा डाउन है, और वो भी डाउन होने के रीजन क्या, एक्सपेंस। क्वार्टर एंडेड में भी प्रॉफिट में डाउन था ईयर ऑन ईयर में, लेकिन एक्सेप्शनल आइटम्स में इस बार गेन होने के कारण, और मार्च 23 क्वार्टर में लॉस होने के कारण प्रॉफिट में इंप्रूव किया है। सेगमेंट वाइज प्लाईवुड एंड लाइट प्रोडक्ट्स, एमडीएफ एंड लाइट प्रोडक्ट्स, इन दोनों से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। रेवेन्यू तो अच्छी ग्रोथ हो रहा है, बट एक्सपेंसेस के कारण ही थोड़ा सा इंपैक्ट वगैरह पड़ रही है। अगर हम इसके बात करें गाइस एक्सेप्शनल आइटम्स के बारे में, तो देखिए यहाँ पे बताया गया है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड मार्च 31 मार्च 2023, यहाँ पे कंपनी बताया कि पैरेंट कंपनी जो है सो रिसीव हुआ था, एक ऑर्डर रिसीव हुआ था ऑफिस ऑफ द कमीशन डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है सो फिक्सिंग किया था स्पेशल रेट ऑफ वैल्यू एडिशन फॉर द फिनांशियल ईयर 2008 और 16-17 इन रिस्पेक्ट ऑफ अवेलिंग द ऑफ एरिया बेस्ड एग्जेम्पशन अंडर सेंट्रल एक्साइज। मैनेजमेंट जो है रिजेस्ट किया गया लाइबिलिटी का 21.7 करोड़ का, जिसमें इंक्लूड था इंटरेस्ट और रिस्पेक्ट टू द सेम एंड कॉन्सिक्वेंटली हैज़ रिजर्व रिवर्स्ड द एक्सेस प्रोविजन ऑफ 9.2 करोड़ का, जो कि अर्ली डेट्स को लिए जो सो रिकॉग्नाइज किया गया था, और पोस्ट मतलब कि फुल इम्पैक्ट जो है सो परसुएंट किया गया था पोस्ट प्रोवाइडिंग के बाद, जो कि इसको लेकर अपडेट आया था, और इसी कारण से इस कंपनी का प्रॉफिट में थोड़ा बहुत ये सो इम्पैक्ट पड़ा है। और यहाँ पे देखेगा तो उसके अलावे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है 26 दिसंबर 2023 का एक मीटिंग अब किया था, जिसमें पैरेंट कंपनी जो है मतलब कि पैरेंट कंपनी का मेंबर्स के थ्रू, जो कि पोस्टल बैलेट के थ्रू 15 फरवरी 2024 में 51% शेयर होल्डिंग जो है सो ट्रांसफर अप्रूव कर दिया था ग्रीन प्लाई मिडिल ईस्ट लिमिटेड दुबई में जो है होल्ड कर रखी, जो कि होली ओन सब्सिडियरी है इस ग्रुप कंपनी का, जो कि सब यहाँ पे देख सकते हैं, अपडेट आप पढ़ सकते हैं कितना है। और यही चीज़ जो है उसके बाद जो अकाउंट ऑफ एक्सेप्शनल गेन जो है रिकॉग्नाइज किया गया है 13.5 करोड़ का, यही चीज़ जो है सो रिकॉग्नाइज किया गया इस बार का। तो ओवरऑल गाइस कंपनी का यहाँ पे इसी कारण से गाइस प्रॉफिट में अच्छी देखने को मिला, इसी कारण से प्रॉफिट रिकवर किया है। वहीं अगर हम इसके स्टैंडअलोन रिजल्ट्स कवर करें, इनकम है 461.4 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 449.9 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 430 करोड़ का इनकम है। इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस कंपनी का 432.6 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 422 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 389 करोड़ का इनकम है एक्सपेंस हुआ था, जो कि एक्सपेंसेस भी इंक्रीज किया क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में, लेकिन एक्सेप्शनल आइटम्स में 3.8 करोड़ का गेन होने के कारण प्रॉफिट में 32.6 करोड़ का, पिछले क्वार्टर 36.6 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 24.6 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट 24.7 करोड़ का, पिछले क्वार्टर 27.4 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर 14 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। ईपीएस 1.99 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया। तो गाइज स्टैंडअलोन में अगर देखा जाए
तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर के प्रॉफिट में डाउन एक्सेप्शनल आइटम्स के कारण, लेकिन फिनेंशियल ईयर एंडेड में यस कंसोलिडेटेड में प्रॉफिट इंक्रीज किया एक्सेप्शनल के कारण ही, एक्सेप्शनल आइटम्स के कारण ही जस्ट प्रॉफिट इंक्रीज किया। तो ओवरऑल गाइस कंपनी ने ठीक ठाक रिजल्ट पेश किया, अच्छे रिजल्ट पेश किया। 252 रुपीज पे कंपनी का शेयर क्लोज किया था, 0.59% का फॉल हुआ था। कंपनी का रिजल्ट 11 बजे लेट नाइट, रात को 11 बजे इसका रिजल्ट आया है। 3.8% का लॉसेस है वन मंथ में और सिक्स मंथ से 21.7% का प्रॉफिट है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं गाइस फ्रेश एंट्री, तो आप इसमें ले सकते हैं। एवरेज करना चाहते हैं आप एवरेज भी कर सकते हैं। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।